अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कल हमने रीनल फेलियर का टॉपिक और उसकी ट्रीटमेंट का जो टॉपिक था डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, ये हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आप सब लोगों ने इसे अपनी कॉपीज पे लिख लिया होगा। आज हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ हैं। एंड सर्कल, एंड सर्कल का मतलब होता है दायरा लगाना। जो इंस्ट्रक्शन होती हैं आपने ज़रूर उसको फॉलो करना है। अगर एंड सर्कल है तो आपने अपने ऑप्शंस को एंड सर्कल ही करना है। फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट उसमें लिखा है द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टन स्टिमुलस, उसका आंसर है डी। यानी किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद उसके साथ जो एक्शन करने का जो फैसला होता है जो न्यूरॉन करते हैं, वो तीनों न्यूरॉन सारे जो होते हैं प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, सेंसरी मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ ए बी सी। सेकंड है द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस आर बी, आंसर है डेंड्राइट। नंबर 3 हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय सी, इसका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नंबर 4 है मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड क्लोज इन अ कॉमन शीट इज कॉल्ड बी, है नर्व। नंबर 5 है सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेजेस टूवर्ड्स, डी आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 6 है इफ़ द बॉडी मूवमेंट आर नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मे बी इन्वॉल्व, इस आंसर है इसका ए, सेरिब्रम। नंबर 7 पे है व्हेन यू हैव अ टूथएक, यानी अगर आपके दांत में दर्द है यू फील पेन बिकॉज, इसका आंसर है डी। द कैविटी रीचेज द नर्व्स एंड द नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन, यानी जो कैविटी है यानी जो आपके दांत में दर्द है उसमें जो कैविटी बनती है उसकी नर्व जो वो जो दर्द होती है उसकी नर्व तक पहुंचती है और वो नर्व जो होती है मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाती है। नंबर 8 है द पार्ट ऑफ द बॉडी विच फिल्टर्स नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, बी आंसर है इसका में किडनीज। नंबर 9 पे है द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वेयर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल अकर्स फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड, बी रीनल ट्यूब। और इसका जो लास्ट है इसका 10th वाला द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू, बी आंसर है फॉर्म यूरिन। ये तो एमसीक्यू हो गए जो मैंने एंड सर्कल किया। ये आपने अपनी कॉपी पे नहीं लिखना, आपने अपनी बुक पे निशान लगाने। इसके बाद आपका बैक एक्सरसाइज का आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपने अपनी कॉपीज पे लिखना है। राइट नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन के, न्यूरॉन के और इसके नेफ्रॉन के। ये मैंने नोट्स इसके तैयार किए हैं, ये 1.2 है। राइट नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम होता है फिर पोन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, न्यूरॉन के डेंड्राइट एंड सेल बॉडी एंड एक्सॉन, और जो नेफ्रॉन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद आपकी बैक एक्सरसाइज का ही इसका क्वेश्चन नंबर 1.3 है। राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, अगेन फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। तो मैंने इसका भी आंसर लिख दिया है, मैं इसकी पिक आपको सेंड कर दूंगी। 1.3 राइट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, फोर ब्रेन का फंक्शन, फोर ब्रेन के जो तीनों पार्ट्स हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, फिर हाइंड ब्रेन है उसके भी तीनों पार्ट्स का फंक्शन है, न्यूरॉन का ओवरऑल उसका फंक्शन बता दिया है और जो नेफ्रॉन है उसका भी ओवरऑल फंक्शन बता दिया है। तो ये पिक मैं आपको भेज दूँगी। आपने ये सारे सवाल अपनी कॉपी पे बहुत अच्छी तरह से लिखने और याद करने हैं। और अगर कोई हैंड राइटिंग का आपको इशू हो तो आप अपनी बुक का जो टॉपिक है वो खोल के आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं उन्हें जॉइनिंग हैंड राइटिंग समझ नहीं आती। तो ये सारे टॉपिक आपकी बुक में मौजूद हैं। लेकिन आपने ये नहीं कहना कि ये टॉपिक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम इन्हें क्यों लिखें। ये आपके बैक एक्सरसाइज में जितने शॉर्ट आएंगे क्वेश्चन
ऐसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये सारे आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं, क्योंकि इससे पहले आपने अपनी कॉपीज़ पे लॉन्ग लिखे हैं, अब ये शॉर्ट हैं। तो मैं इनके नोट्स से, जैसे आज 1.2 1.3 है, इसके नोट्स मैंने आपको भेज दूँगी मैं, इसी तरह 1.4 1.5 के भी आपको मिल जाएंगे। ये ज़रूर आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखने भी और इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है। शुक्रिया।